राधे राधे जी सभी को। दिन की शुरुआत हुई है पूजा से, नहा धो के ऊपर आई हूँ। आज साड़ी वेयर की है, अष्टमी का व्रत है तो फूल लेने आई हूँ पहले, क्योंकि बहुत सारे फूल खिल जाते हैं तो फिर बंदर ही तोड़ कर जाते हैं, इससे तो प्रभु भी चढ़ा दें, तो इसलिए प्लेट लेके आई थी। बहुत सारे इकट्ठे कर लिए हैं, आपको दिखाती हूँ, देखो कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं एक प्लेट भर के। सजा दिए मंदिर में, पूजा की बाकी तैयारी तो हो गई है, तो अब मैं अपना पाठ कर रही हूँ, उसके बाद रामायण पढ़ूंगी और बाकी व्लॉग तो मैं लेट शुरू करूँगी, क्योंकि आज पूजा में ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बाकी फिर बाकी काम करने के बाद ही व्लॉग शुरू करूँगी। अभी तो केवल मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा, और ये देखो प्रभु के दर्शन कर लो आप, देखो ये है मेरे बाके बिहारी लाल। हेलो जी, कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू हुआ है 11:30 बजे, काम खत्म हो गया है सारा। देखो किचन बिल्कुल क्लीन पड़ी है, सारा काम खत्म हो गया है, खाना पीना बन गया है और पायल के लिए खाने में बने हैं भिंडी और पराठे। और टोटली काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और पायल कर रही है पढ़ाई, देख सकते हैं आप। कल पायल का एग्जाम है और आज है गुड्डन का एग्जाम, और गुड्डन अपने बेटे को यहीं छोड़ के गई है, उसने फैला रखा है सारा घर। देखो गाड़ी देखो कैसे बढ़ गया। बच्चे जब होते हैं ना घर में तो ऐसा ही होता है। भगवान जी के दर्शन वैसे तो आपने कर लिए हैं सुबह, लेकिन फिर भी एक बार कर लो। और अब बारी आती है हमारे प्रोजेक्ट की, जो हमने कल बनाया था कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको, कि मैंने उसको बिछा रखा है, अब वो कैसा लग रहा है आप फिर बताना मेरे को कि कैसा लगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ बताया ज़रूर करो कि आपको कैसा लगा। तो पहले देख लेते हैं फिर मिलते हैं। देखो ये तो वो तकिया हैं जो मैंने बनाए हैं, लेकिन मैंने ये इस पे चढ़ा के आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने यहाँ इस पे चद्दर पे रखे थे दीवान पे, तो ये यहाँ पे मतलब जच नहीं रहे थे इनके साथ, तो इसलिए मैंने इनके साथ वाइट रखे हैं और ये वाले कुशन रख दिए हैं। तो इन्हें तो मैं साइड कर देती हूँ पहले एक बार। और इनका मैं बताऊं आपको, मेरे पास ये पहले से कपड़ा था, तो इसको अगर मैं चाहती तो ऐसे ही फेंक देती, लेकिन मैं इसका ये वाला जो कपड़ा लाई हुई, ये मात्र मेरे को 20 रुपये का पीस मिला एक, और इसमें से इतना सा कपड़ा यूज हुआ है, बाकी और भी बच गया है। और मेरा ये 400-500 रुपये का राउंड पिलो कवर का सेट बन के तैयार हो गया है। अब बारी आती है इनकी, देखो मैचिंग हो गया है। ये वाली चादर मेरे पास रखी थी ये वाली, तो इसके साथ ये वाले कवर कितने जच रहे हैं ना, और वाइट के साथ तो और भी ज़्यादा जच रहे हैं। मैंने चादर चेंज कर दिया आपको दिखाने के लिए, सोफे के कवर चेंज नहीं किए हैं, और ये छोटे वाले कुशन कवर बने हैं, देख सकते हैं आप। 3 तो इधर रखे हैं और 2 इधर हैं, तो टोटल 5 तो ये हो गए हैं और 2 बड़े बन गए हैं इस कपड़े में से, 7 हो गए। और इतना कपड़ा बच भी गया है कि मैंने टेबल पे ये डाल दिया इस तरह, आप इसे टेबल रनर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ भी बहुत सुंदर लग रहा है, इसके आप कुछ इसके ऊपर आप कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। और देखो ये थर कितनी मस्ती कर रहा है, हाय बोलो सबको, हाय प्यार कर दो सबको, वेरी गुड। मैं आपको कल वाला ही काम दिखा रही हूँ, दिखा क्या रही हूँ, कैसे सिल रहे हैं वो दिखा रही हूँ। तो ये कुशन जैसे चैन के ऊपर रख के मैं इसको इस तरह मोड़ के सिल लिया है, और ये छोटे वाले सिले जा रहे हैं, नहीं अभी ये बड़े वाला ही है एक, तो इसके बाद मैं छोटे वाले सिलूंगी। और ये बड़े वाला पर चैन इस तरह लगाई थी ना, जैसे मैंने एक तरफ तो इस तरह, एक तरफ दूसरी तरफ इस तरह थोड़ा सा मोड़ के, और पूरी चैन को ढकते हुए और चैन के दूसरी साइड सिलाई लगाते हैं, तो इस तरह चैन लग जाती है। और इसको आप खिसका के थोड़ा साइड में कर लें और ऐसे दोनों साइड सिलाई लगा देते हैं, इसमें बिल्कुल आसानी से बन जाता है। कोई इसमें ये नहीं है कि छोटा काटो बड़ा काटो, आगे का पीस अलग काटो पीछे का पीस अलग काटो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको डबल कपड़ा लेके उसको फोल्ड करना है, उसके ऊपर अपना कुशन कवर रखना है, उसके बाद आपको चैन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा, और बस रख के सिल दो, चैन के दोनों तरफ कपड़ा सिल दो, फिर उल्टा करके दोनों साइड सिलाई लगा लो। इस तरह का आपका कवर बन के तैयार हो जाएगा। अगर मैं इस पर अभी प्रेस कर दूं तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा तैयार हुआ है। तो बड़े दोनों बन गए हैं, एक तो मैंने कल आपको चढ़ा के दिखा दिया था,
और ये दोनों मेरे अब ये जो छोटे वाले सोफे के हैं ये कटे हुए रखे हैं, तो अब इन्हें भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। और अब मैं इनमें सब में चैन लगा लूँगी। और ये देखो चैन मैं 10 मीटर लेके आई हूँ और इसमें छल्ले लगवा लाई हूँ बहुत सारे उन भैया से, ऐसे ही जैसे बड़े वाले सिले हैं इस तरह। अभी आप ध्यान से देख लीजिए कि मैं कैसे सिल रही हूँ, चैन के एक तरफ इस तरह पतली सी पट्टी मोड़ते हुए इस तरह मैंने सिल लिया ये एक तरफ। तो इस तरह ही आप देख के सिल सकते हैं, और नहीं तो आपको अपने कुशन देख के भी आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह बने हुए हैं, तो आप उसी तरह से सिल सकते हैं उन्हें। और जब पूरा सिल जाए तब चैन को कट करें, क्योंकि ना कई बार थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी रह जाएगी चैन तो उसमें दिक्कत हो जाती है, तिरछा बंका हो जाता है फिर हमारा ये। और इस तरह रखते हुए आप इस तरह सीधी साइड सिलाई लगानी है आपको, ये वाली कपड़ा अंदर को मोड़ कर जैसे हम नेफा मोड़ते हैं उस तरह उतना ही लगभग चौड़ा मुड़ता है। चैन ढकनी चाहिए, जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उससे चैन ढक जाती है, और चैन के दूसरी साइड हमें सिलाई लगानी होती है, और फिर उल्टा करके ऐसे दोनों तरफ सिलाई लगा दो। तो ये आपका कवर बन के बिल्कुल ओके रेडी। और अभी मैं आपको ये छोटे वाला इसमें पीस भी रख के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है, आपको ये लगे कि भाई कभी छोटे बड़े हो गए हो आपने ऐसे ही रख के दिखा दिया, ऐसा नहीं है। मैं आपको देखो रख के दिखा देती हूँ इसे, ये वाला कवर निकाल के इसमें से देखो ये कितना टनाटन एकदम बन के तैयार हो गया है, और चैन भी इतनी मजबूत वाली लगी है टूटेगी भी नहीं। ये 5 रुपए का एक ही लोक दिया है उन्होंने, 5 रुपए मीटर दी है चैन, देख सकते हैं आप कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो छोटा मेरा एक बना है, अभी मैं इन पे सब पे एक साथ चैन सिल रही हूँ, चैन पे मतलब एक साथ सब सिल लिए हैं, बाद में कटिंग करूंगी क्योंकि अलग अलग सिलने में काफी टाइम लग रहा था। अब मेरा कैमरा ये बार बार नीचे को भाग जा रहा था, तो इसलिए मैं अब सारे इनको चैन पे सिल लेती हूँ, उसके बाद इनकी कटिंग कर लूंगी और फिर एक एक करके सिलती रहूंगी। और ये लोग मुझे साथ साथ ही पीछे करने पड़ रहे थे। और आप ध्यान से जब चैन कट करें तो ध्यान से देख लें कि जितने कुशन कवर सिले हैं उसमें सब में लोक हैं या नहीं है। जैसे मैंने एक कुशन कवर सिला उसके साथ एक लोक बीच में कर दिया है, अब अरे ये दूसरा है, अब ये तीसरा सिल रही हूँ इस पर। तो थोड़ी सी जगह कट करने के लिए चैन के लिए छोड़ दिया बीच में। अब ये देखो तीनों सिल गए हैं, ये एक का ये रहा लोक, एक का ये रहा, और एक का ये रहा, और एक का चारों सिल गए हैं इस पे, एक मैंने पहले सिल दिया है। तो अब इनका मैं सबको अलग अलग कट कर लेती हूँ, और उसके बाद इन्हें सबको ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया सिलाई करके दोनों तरफ सिलाई लगा लगा के और फिर तैयार करके आपको दिखाती रहूंगी कि कैसे हुए हैं तैयार। और कोई ही भी मुश्किल नहीं है इन्हें बनाने में, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। आप मतलब नहीं खरीद सकते हम बाजार से, तो हम कितने सस्ता ढूंढ लें थोड़ा सा कपड़ा अपने एरिया में या जहाँ भी हैं तो मिल जाएगा। सस्ता भी नहीं मिलता तो थोड़ा सा, चलो इतना सस्ता नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा महंगा मिल जाएगा, लेकिन 250-300 रुपये से कम तो कहीं कुशन कवर मिलते ही नहीं। और ये मेरे बन गए हैं 100 रुपये में, 7 कुशन, और कपड़ा भी बच गया है, अभी एक कुशन और बन जाएगा। हाल तो मैंने टेबल रनर बना लिया उसका, और देखो तीन ये तैयार हो गए हैं। अब फोर्थ नंबर का भी मैं अब सिल के तैयार कर देती हूँ, फोर्थ नंबर का भी होने वाला है। और थोड़ा थोड़ा कैच किया, फिर भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन भाई मैंने इतनी मेहनत करी है तो दिखाना तो बनता है ना आप लोगों को, फिर आप सोचेंगे कि ऐसे ही कह रही है कि मैंने बनाए हैं, बनाते हुए तो हमने देखा नहीं। तो देखो दो ये हो गया है, तीन, और ये हो गया है चार, एक और रह गया, ये हो गया पांच, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक ये रहा बड़े वाला, और एक जो गद्दी पे चढ़ा हुआ है इस समय एक। अब ये बना लेती हूँ मैं, जो मैंने गोल तकिए के कवर बना रही हूँ ना मैं, जो मेरे पास कपड़ा था उसके, ये वाला कपड़ा लाई थी मैं 20 रुपए का एक टुकड़ा। और ये मैं तकिए नहीं लेके गई थी, ऐसे ही ले आई, तो ये थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है, हल्का सा पर चल रहा है, कोई इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं इसको चेंज तो करके नहीं आई, इसमें से ही मैंने बना दिए हैं। तो जो मैंने कपड़ा काटा था उसमें ना मैं नेफा मोड़ लूँगी, मतलब नाड़ा डालने के हिसाब से चारों में, चार पीस काटे हैं तो चारों में पहले नेफा जोड़ लूँगी,
मतलब मोड़ लूंगी अंदर को, तो उसके बाद में इन्हें तकिए में सिलूंगी। और लीजिए जी मखाने खा लीजिए, मुझे लग रही थी भूख, मैंने थोड़े से पायल से मखाने सिकवाए थे तो नहीं, मैं अब बीच बीच में खा भी रही हूँ। और ये तकिए पे इस तरह रखते हुए सीधी साइड से तकिया बिछा रखा है और उल्टा करके ये वो रखा है, तो इस तरह पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। अब सीधा करने के बाद एक सिलाई बाहर से लगाएंगे ताकि ये बाहर की साइड रहे और उधड़ने का ज़्यादा डर ना रहे। तो बाहर से भी इसको दबाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे इसमें, और ऐसा ही हमें दूसरी तरफ भी करना है। इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे अब इसमें। देखो ये वाला भी सिल गया है और ये वाला भी। अब इन दोनों को ना हम ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, देखो ऐसा, और इस पर ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे ऐसे, इस वाले पर, इस पे भी यहाँ से ऐसे ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। अरे सिलाई आपको यहाँ से शुरू करनी है, जहाँ नाड़ा डलेगा उसकी जगह छोड़ देनी है। आपका ये तकिया बनके तैयार, यहाँ पे नाड़ा डल जाएगा ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे हमारा ही काम। अभी मैं दिखाऊंगी आपको डाल के भी, इस पे सिलाई लगा लूं पहले। ये मैचिंग नाड़ा बना लिया है मैंने, जो कपड़ा बच रहा था ना ये वाला, इसी में से काट के नाड़ा बना लिया है दोनों तकियों के लिए, और इसी में डाल दूंगी। और जितने आपके तकियों की चौड़ाई है ना उतना ही चौड़ा काट लीजिए आप, क्योंकि जब हम इन्हें मतलब फिल करके और बांधते हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना लंबा रखिए जितने तकिए की चौड़ाई है। और इनमें मैं दोनों तरफ लगा के और इनमें अच्छे से ये करके इसे इंटरलॉक कर दूंगी मशीन से ही, ताकि जब धुलाई उलाई करते हैं तो ये निकले ना, या इसके धागे ना निकले, तो इस सभी में इंटरलॉक कर रही हूँ। तो जी मेरे फाइनल तकिए भी दोनों तैयार हो गए, कवर वर डल के खत्म हो गया काम, और थक रही हूँ बहुत ज्यादा। तीन बज गए हैं और आवाज़ ना डाउन हो गई क्योंकि व्रत भी है और अब काम सुबह से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है। अब थोड़ी देर पहले रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखती हूँ, फिर इनको लगा के दिखाऊँगी आपको। अब बताओ जी कैसे लगे आपको कुशन कवर? और ये जो कुशन कवर वाला कपड़ा है ये आप कितना बताऊँ, 1.5 मीटर तो चौड़ा था और लंबाई इसकी 2 मीटर रही होगी, 2 मीटर भी रही नहीं होगी। आप एक इस तरह मान लीजिए कि एक सिंगल डबल उसकी सिंगल बेड की चद्दर थी ये, जहाँ से मैं लेके आई, और उन्होंने ये 100 रुपीज का मुझे दिया, तो 100 रुपीज में मेरे पास 5 तो सोफे वाले कुशन कवर बन गए हैं और 2 ये बड़े वाले बन गए हैं, तो 100 रुपीज में 7 कुशन कवर बन गया, तो क्या बुराई है? बस इतना ही तो हुआ कि मेरी मेहनत लगी है, और एक कुशन कवर में ये जो चैन लगी है वो 2.5 रुपये के समथिंग लगी हुई, क्योंकि 5 रुपये मीटर आई है चैन, तो 2 कुशन में 1 मीटर लगती नहीं है, कमी लगती है उससे भी, 16 इंच है। तो आप बताओ क्या बुराई है इसमें? अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो बिल्कुल यूनिक चीज़ बन जाती है, और ऐसे आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये खुद बनाए हैं तो ऐसा डिजाइन मिलेगा तो है नहीं मार्केट में। और ज़रूरी नहीं कि अगर कोई दूसरी चादर खरीद के भी ले गया होगा तो उसका वो कुशन ही बनाएगा, तो यूनिक चीज़ बन सकती है अपने घर में अगर आप चाहते हैं तो। और मेरे दिमाग में ना अभी एक आइडिया और आ रहा है, ये जो चादर है ना, ये सेम चादर मेरे पास एक और है, इनके पिलो कवर नहीं है, तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ, इस चादर जो इसकी दूसरा पीस है
उसमें से मैचिंग इसके मैचिंग राउंड पिलो कवर बनाऊं और 3 कुशन कवर बनाऊं, तो मेरा दीवान का सेट बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं घर में ही कर लूंगी सारी दिवाली की तैयारी अपनी पूरी। और आप इन्हें डेकोर भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये कुछ आपको सिंपल लग रहा है तो इन पर आप सिंपल वाली लेस ले आइए, जो चुभती नहीं है वो लगा लीजिए, क्योंकि इन पर लेस लगेगी वही जो चुभती नहीं है, क्योंकि बेड पर लेट भी जाते हैं, कुशन कवर पर कमर लगती है तो चुभने वाली चीज़ तो इस पर लगेगी नहीं, लेकिन सिंपल वाली लेस भी आप लगा सकते हैं, या फिर ये झालर फ्रिल जो होती है ना वो बना के लगा सकते हैं। तो जी बस यही काम किया मैंने कल, और आज थोड़ा सा आपको ये लगाने में भी थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, इनको बिछाने में चेंज वगैरह करने में, तो बस अब आपसे मिली हूँ मैं। चलो आपको बताती हूँ कितने का कपड़ा है, कैसे कैसे बनाया, और कैसे कैसे बनाया ये तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट किया कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। अथर्व आ गया है, बाय करते हैं सबको, बाय कर दो, बाय, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, करो बाय अथर्व, बाय बाय। तो चलिए जी ठीक है, नमस्ते जी सभी को।